सो यार फाइनली हाथ धो के हो चुके हैं रेडी, और व्लॉग मैंने एंड करा था 1 बजे और दोबारा स्टार्ट कर दिया 2 बजे। सीन को जैसा है कि गैस वगैरह नहीं आ रही थी, तो इस वजह से लेट व्लॉग स्टार्ट करा है। सो अभी अभी जो है मैं आया था, यानी शॉप पे से आया हूँ मैं 12:30 बजे के करीब, तो व्लॉग मैंने लेट एंड करा है काफ़ी, और शुरू भी फ़ौरन कर दिया था। बस नहा धो के फ्रेश होके थोड़ा बहुत अपने आप को अच्छा फील करवाने के बाद मैंने बोला व्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए, थोड़ी थकान कम हुई तो। और अभी जो है स्टार्ट करने का मकसद ये होता है कि यार बंदा अपनी लाइफ स्टाइल दिखाए आपको किस तरीके से थकान दूर करते हैं क्या। तो थकान दूर करने के लिए हमने चाय वगैरह बना ली, बिस्किट और अंडा पराठा, तो वो छालियाँ वगैरह रखी हुई है। पापा और मैं खा रहे हैं अभी चाय और बिस्किट, क्योंकि जो है थकान दूर करने का सबसे बेहतरीन हल जो होता है वो होती है चाय कड़क, और जो कि मुझे घर पर ही चाय ज़्यादा अच्छी लगती है बनस्बत बाहर के, क्योंकि बाहर हमें चाय तो खैर अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी बहुत कम आती है, जो हकीकत बात है। तो ये सीन होता है, और अगर आप 2 चाय एक साथ मंगवा लो तो फिर एक चाय ठंडी हो जाएगी, एक चाय गर्म रहेगी, तो मज़ा नहीं आएगा पीने में। सो यार नाइट मैच का भी सीन बन रहा था लेकिन मैं नहीं गया, क्योंकि थकान बहुत ही हो जाती है यार, फिर पूरी सहरी तक ही समझो, सहरी समझो जागने तक गुजारनी पड़ती है, और कल इतवार का दिन है तो सुबह 12 बजे मुझे शॉप पर भी जाना होगा। तो खैर एनीवेज जो है अभी फटाफट से खाते पीते हैं और इस व्लॉग को यहीं स्टार्ट करते हैं, आप लोगों से मिलते हैं सहरी में। सो वेलकम बैक टू दी न्यू व्लॉग। फाइनली मॉर्निंग हो चुकी है और आज फिर जो है सहरी में आँख नहीं खुली, और आँख खुली थी 6 बजे व्लॉग अपलोड करने वाले टाइम पे, बस उसके अलावा आँखें नहीं खुली सहरी वाले टाइम पे। तो आज फिर बगैर सहरी का रोज़ा है, और टाइम हो रहा है 1 और मुझे जाना होता है 12 बजे शॉप पे, लेकिन 1 बज गया है क्योंकि जो है लेट उठा है। सो अभी अभी तो मैं उठा हूँ 1:45, तो मैंने फटाफट रेडी होकर मैंने बोला चलो यार शॉप पर चला जाए, क्योंकि जो है सहरी में आँख खुली नहीं और नींद इतनी आ रही थी अभी भी, लेकिन मैंने बोला नहीं यार बस अब उठो। इतफाक़ ऐसा था कि 6 बजे आग खुल गए जिस टाइम व्लॉग अपलोड करना होता है, तो वो तो खैर मैंने उसी टाइम अपलोड कर दिया था, लेकिन जो है उसके बाद जो है नींद इतनी आ रही थी और रात पूरी ख्वार हुई और सहरी में आग नहीं खुली, तो ये सीन हुआ। सहरी में 2:45 तक मैं जाग रहा था, उसके बाद जब मैं सोया हूँ तो मैं 6 बजे उठा हूँ 6:05 पे, तो इसी वजह से बस सहरी में भी आग नहीं खुली, पापा की भी नहीं खुली। तो आज फिर आपके भाई ने बगैर सहरी का रोज़ा वगैरह खुल लिया, अभी जो है 1 वगैरह बज रहा है, तो फटाफट चलते हैं दुकान और फिर वहीं पे मिलते हैं। तो भाई निकल चुके हैं दुकान के लिए, मौसम थोड़ा सा गर्म है, बस गर्मी वगैरह हो रही है फुल शो सी, बाकी तो ये है कि यार सही है मौसम, इतना भी यानी वो नहीं है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यार बस बहुत ज़्यादा गर्मी है। सो मार्केट पहुँचते हैं यार फटाफट। तो फाइनली मार्केट पहुंच चुके हैं, पार्किंग में बाइकें देख रहे हो कैसी शो वाली लगी हुई, आपके भाई ने भी घुसेड़ी दी किसी ना किसी तरीके से, असंभव असंभव। तो यार दुकान पे जैसे ही मैं पहुंचा तो खैर असर अपना जोहर का टाइम हो चुका था, बाहर देख रहे हो कहता खुदा हुआ यार पूरा, हम जो लालू खेत खुदा पड़ा हुआ है और हमें जाना है नमाज़ पढ़ने के लिए। सो यहाँ पर रश भी बहुत होता है क्योंकि लेडीज़ मार्केट है ना, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही रश होता है। ये लेडीज़ मार्केट वाले पार्ट में है मस्जिद बनी हुई, तो काफ़ी सारा यहाँ पे यानी ना रश वगैरह होता है, तो यहाँ पे भी खैर व्लॉग करना बड़ा मुश्किल होता है। तो सीन कुछ ऐसा है कि यार अभी जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, यहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं काफ़ी सारी लहंगों की इन सब चीज़ों की, तो ये वजूहतें होती हैं सिर्फ। तो जो है खैर चलते हैं अभी नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं, क्योंकि नमाज़ पढ़ना भी लाजिम है। और अपना सीन कुछ ये है कि फटाफट बस निकलते हैं यार, क्योंकि सीन ये है कि हम मस्जिद के अंदर तो एंटर हो चुके हैं और ऊपर जाएंगे तो सारे सो ही रहे होंगे। देखा। A few moments later. तो भाई जोहर की नमाज़ से आपका भाई हो चुका था फारिग, लेकिन जो है अब जोहर के बाद फौरन असर मैंने यूँ दिखाई है, क्योंकि कुछ करने को था नहीं, दुकान के ऊपर काम करना होता है, व्लॉग थोड़ी कर सकते इतनी पाबंदी से। तो खैर पूरी ये जगह खुद ही पड़ी हुई है और लेडीज़ भी इनसे जा रही होती है, जेंट्स भी एक्सीडेंट भी हो सकते हैं, ऐसे बाइक गिर भी सकती है किसी की भी, सो भाई इसके ऊपर थोड़ा सा लोग वो करें। बाकी तो खैर ये है कि अपन जा रहे हैं अभी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए, और काफ़ी सारे स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे काफ़ी यानी अच्छी क्वान्टिटी में, काफ़ी ज़्यादा मकदार में। तो खैर जो है हमें तो जाना नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज़ अभी जो है खड़ी होने में बस थोड़ा सा ही टाइम होगा, बल्कि हो चुकी होगी नमाज़ खड़ी, क्योंकि लोग कम है ना, रश कम हो रहा है, तो यानी इसका मकसद ये होता है कि नमाज़ खड़ी हो चुकी है। तो ये है कि अभी हम भी चलते हैं नमाज़ वगैरह पढ़ने के लिए, क्योंकि सारे ही लोग जा रहे हैं, सो नमाज़ पढ़ते हैं यार फटाफट।
A few moments later. फाइनली अभी भी घर पे आया हूँ और जो है थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, दुकान पे टाइम ही नहीं मिलता ब्लॉग बनाने का, अफ्तारी के वास्ते जो है मोबाइल जेबों में ही रहते हैं, टाइम नहीं होता ब्लॉगिंग करने का और ब्लॉग बनाने का। तो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद यानी समझो मगरिब की नमाज़ पढ़ने के लिए भी यानी हम लोग देर से ही जाते हैं, क्योंकि दैट इज़ वाज़ अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है रश वगैरह शुरू होना शुरू हो जाता है, तो एक एक करके जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो इस वजह से फिर मैं ब्लॉग नहीं बना पाता, उसकी वजूहत ये होती है एक तो मोबाइल की चार्जिंग जल्दी ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा ये होता है कि यार टाइम की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है। अभी भी टाइम हो रहा है कोई 1 बज रहा है, 1:05 के करीब टाइम हो रहा है, देखो चेक कर सकते हो। सो अभी 1:05 पे मैं आया हूँ घर पे, तो बड़ी यार मुश्किलात हैं ब्लॉगिंग करने की, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, डाल रहा हूँ ब्लॉग डेली, बस थोड़ी थकान वगैरह हो जाती है, लेकिन ब्लॉग ये है कि शुक्र है डेली डाल रहा हूँ कुछ ना कुछ करके छोड़ नहीं रहा हूँ ब्लॉगिंग, डाले आ रहा हूँ। सो बस ये है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करो, बाकी है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।